नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप में से कोई भी मल्टी फार्मिंग खेती करना चाहता है तो उसके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। आज हम आए हैं कटनी शहर में, यहाँ पे पूरा जो खेती कैसे करते हैं, मल्टी फार्मिंग आप जो प्रोडक्ट्स हैं कैसे उगा सकते हैं। मिस्टर राजन गौतम जी के पास आए हैं, तो उनसे बात करेंगे, आपको पूरी जानकारी देंगे फार्मिंग के लिए, कैसे फार्मिंग की जाती है, कैसे खेती की जाती है और कैसे आप एक ही ज़मीन पे बहुत सारी सब्जियां उगा सकते हैं, पूरी चीज़ें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम राजन गौतम है, मैं यहाँ पे मल्टी लेयर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। दरअसल ये मॉडल मेरे मित्र श्री आकाश चौरसिया जी का द्वारा विकसित किया गया है। अगर आप इसके विषय में और जानना चाहते हैं तो आप YouTube में मल्टी लेयर फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में सर्च करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस उनके आपको मिल जाएंगे। वे हर महीने सब लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा ही रहे हैं, और अगर उससे ज़्यादा भी अगर कोई जानकारी चाहिए तो मैं स्वयं भी आपको, अगर आप यहाँ आते हैं या फ़ोन के माध्यम से जैसी भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, मैं सारी जानकारी आप सब लोगों को उपलब्ध करा दूँ, ऐसा प्रयास करूंगा अपनी तरफ से पूरा। अब अपन इस मल्टी लेयर मॉडल के विषय में बात करते हैं। दरअसल इस मॉडल का मेन जो उद्देश्य है आकाश चौरसिया जी का, वो ये है कि कोई भी किसान अपनी ज़मीन पे अधिक से अधिक फसल कैसे ले सकता है। इस मॉडल पे उन्होंने ऐसा विकसित किया है कि इस पे जो भी सामान लगेगा वो सब किसान को आसानी से उपलब्ध हो जाए, बाजार से उसको कुछ भी खरीदना नहीं पड़े, बाजार से उसको कुछ भी लाना नहीं पड़ेगा, तो उसकी आमदनी अच्छी रहेगी। क्योंकि अभी ऐसा होता है कि किसान यूरिया पे, डीएपी पे, दूसरे पेस्टिसाइड्स पे इतना सारा पैसा खर्च कर देता है कि वो लागत नहीं निकाल पाता है। अभी लॉकडाउन में आपने देखा ही है कई सारे किसानों को कि बाज़ार में 50 रुपये, 100 रुपये की भी कुंटलों चीज़ उनकी नहीं बिक पाई है। तो इस पे देखिए बम्बू लगे होते हैं, बांस लगाते हैं अपन, बांस पे अपन फिर तार बांधते हैं, तार के ऊपर हम घास लगा देते हैं जिसके कारण धूप से, ओला पाला से, लू से अपनी फसल की बचत कर सकें। इस पे अपन सबसे पहले बोते हैं नीचे अदरक। अच्छा अच्छा, नीचे एक लेयर में अदरक बोइए। जी हाँ, एक अदरक बोते हैं सबसे पहले एक लेयर पे। फिर उसके बाद अपन इस बम्बुओं पे लगाते हैं करेला, करेला के बाद बम्बुओं के बीच पे लगाते हैं तरोई, और उसके बाद यहाँ पे अपन लगा सकते हैं उसी समय पालक। हम इसमें से पालक इसके पहले ले चुके हैं। पांचवी फसल होती है इसकी पपीता, लेकिन अभी इस बार ऐसा हुआ है कि लॉकडाउन के कारण कुछ ऐसी परिस्थिति बनी थी कि अपन इसमें पपीता प्लांट नहीं कर पाए हैं। और दूसरा देखिए क्या होता है कि कोई भी किसान ये कोशिश करता है कि उसको आमदनी हो, पर ये जैसा लॉकडाउन चला है, लॉकडाउन के बीच में जिस समय हमारी फसल आ रही थी उस समय तक जैसे हम लोगों को खरीददार मिल रहे थे या बाजार में ले जाने के लिए, तो हम लोगों ने इतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान देना चाहिए था, उतना ध्यान इस मॉडल पे नहीं दिया है। केवल हम लोगों ने अब ज़्यादा फोकस कर रखा अदरक पे कि अदरक ही हम लोगों की अब मेन फसल हो गई है। बाकी इस तरफ, दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ अभी लॉकडाउन के बाद जब मौका मिला था तो हम लोगों ने पूरे 1-1.5 एकड़ पे पूरा भिंडी लगा दिया है, तो यहाँ पे भिंडी हो रही है। और बाकी इस मॉडल पे जो फसल लगी है तो वो जितनी निकल रही है, तो वो थोड़ा सा ध्यान न देने की वजह से और कुछ ऐसी परिस्थितियों की वजह से अपन उतना अच्छा नहीं कर पाए। अभी लॉकडाउन कारण ज़्यादा नहीं लगाए ना, सोचे है ना। जी हाँ, लेकिन एक जमीन पे हम 5 प्रोडक्ट उगा सकते हैं आसानी। बिल्कुल से। बिल्कुल, एक जमीन पे आप 5 प्रोडक्ट ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, और अपनी आमदनी भी अच्छी बना सकते हैं और देसी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा, गोबर गौमूत्र। खाद वगैरह जो बनाते हैं उसकी थोड़ी प्रोसेस बताइए, कैसे खाद बनाते हैं आप? उसको वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, उसका थोड़ा सा उन्नत फॉर्म में हम उसको बना रहे हैं। हम बना रहे हैं वर्मी फॉस के लिए। अपन क्या कर रहे हैं कि वर्मी फॉस के लिए उस पे अपन रॉक फॉस्फेट, नेचुरल पूरा है ना। जी हाँ, नेचुरल रॉक फॉस्फेट। अभी अपन आपको हम चल के दिखाएंगे, चलते हैं। आइए, बैग खाद बनाते हैं, मतलब थोड़ी ये दिखाइए, बैग दिखा देते हैं। यहाँ पे अपन ने ये बैग लगा रखे हैं, प्लास्टिक के बैग। एक बार आपको मार्केट से परचेज करने पड़ते हैं। अच्छा अच्छा, और जी हाँ, ये बैग अपन यहाँ से मार्केट से परचेज करके ला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे खाद बनाई है। जी हाँ, यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि इस पे अपन ने वर्मी
फॉस बनाई है ये। हाँ। ये वर्मी कंपोस्ट से उत्तम किस्म कहलाती है। अच्छा, अच्छा। इस पे नेचुरल तरीके का फास्फोरस मतलब ऐड हो जाता है आपकी वर्मी कंपोस्ट पे। हाँ। इसलिए इसको वर्मी फॉस बोलते हैं। अच्छा, तो ये खाद में मतलब क्या क्या यूज हुआ है, अपन क्या क्या डाला है? देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले पॉलीथिन जो सबसे पहले तो ये है कि अपन ने ये पूरा बैग लिया। बैग लेने के बाद ये डंडी लगाई। बैग कितने का था? ये बैग लगभग इस समय थोड़ा सा महंगा हो सकता है लॉकडाउन की वजह से, लगभग 2,000 से 3,000 के बीच में बैग आ जाता है कुछ। हाँ जी, एक बैग आपका लगभग 1800 से इस समय मतलब 2,000-2,500 रुपए तक का, जैसा जहाँ आपको सुविधा मिले वैसे ये बैग मिल जाते हैं। इस पे अपन ने गोबर डाला है। गोबर डालने के बाद इसमें अपन ने 25% ये रॉक फॉस्फेट मिला दिए, नेचुरल रॉक फॉस्फेट मिला दिए, और रॉक फॉस्फेट मिला के इसमें केचुए डाल दिए हैं। ये देखिए वन टाइम, ये केचुए आपको दिख रहे होंगे, ये आपको केचुए का ये वन टाइम का ये इन्वेस्टमेंट है आपका। अच्छा, तो आपको एक बार केचुए भी अगर नहीं है आपके पास तो केचुए भी खरीदने पड़ेंगे। अगर आपके पास गोबर उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप गोबर बाजार से भी ले सकते हैं। अच्छा, अच्छा। रॉक फॉस्फेट आपको पास से ही कहीं से भी आप मंगा सकते हैं। और इसके बाद ये लगभग 2 से 2.5 महीने में ये केचुए सारी खाद आपकी आके तैयार कर देते हैं, खाद बन जाती है 2 से 2.5 महीने। जी हाँ, इसके बाद यहाँ पे देखिए आप ये पाइपलाइन लगी हुई है। पाइपलाइन यहाँ से सब बेड में ये पाइपलाइन ज्वाइंट है, और ये ज्वाइंट होने के बाद यहाँ से अभी यहाँ पे बारिश हुई है, थोड़ा गीला हो गया है, तो ये अच्छा, ये यहाँ पे इसका वर्मी वास निकलता है, जो भी इसका वेस्टेज निकलता है केचुओं का, पानी डालते हैं। हाँ जी, केचुओं का जो वेस्टेज रहता है, वो यहाँ पे आके एकत्र हो जाता है, पाइप में आता है जी, है ना। इस पे इस ये पाइप में ये पानी पूरा भरा हुआ है, ये बारिश के कारण भर गया है दरअसल। ये बारिश के कारण रुक गया है, ये आपन यहाँ पे डिब्बा रख दिया या कोई भी चीज यहाँ पे नीचे लगा सकते हैं जिसके कारण वो पूरा आ जाता है। अभी क्या तेज बारिश हुई है इस कारण से ये पानी भर गया है। अच्छा, इस डिब्बे में भर के और यहाँ से निकाल के अपन एक दूसरा ये मैंने ड्रम रखा हुआ है, यहाँ पे अपन स्टोर करते जाते हैं। अच्छा, अच्छा। अब ये इस पे कितना पावर है ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। अच्छा, एक दिन मैंने क्या किया था इसका पावर देखने के लिए कि इसमें कितना ज्यादा पावर है। इसमें से एक डिब्बा वर्मी वॉश हमने उठाया और ये हमने भिंडी लगाई हुई है। अच्छा, और भिंडी लगाने के बाद ये दो तीन फलियां आपको दिख रही है, तो हमने एक डिब्बा वर्मी वॉश इस पे पलटी कर दिया। हाँ। अब आप अंतर देखिए कि थोड़ा थोड़ा सा बहाया था। हाँ। अब आप यहाँ की भिंडी और यहाँ की भिंडी में अंतर देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे भिंडी जो लगी है, ये भिंडी और ये जो बड़ी वाले पेड़ हैं ये एक साथ लगाए गए थे, लेकिन ये जो यहाँ पे ये खाद है ना, ये खाद बनाई गई थी, इस खाद को इन्होंने थोड़ा सा छिड़काव कर दिया था, थोड़ा सा मतलब हमने यहाँ पे बहा दिया था। बहा इसलिए दिया था कि इसके पावर देखने के लिए, जरा करने के लिए कि खाद कितनी अच्छी होती है। वो वर्मी वॉश बोलते हैं उसको? जी हाँ, वर्मी वॉश, वर्मी वॉश, ये वर्मी वॉश का कमाल है। देखिए ये बड़े बड़े पेड़ बन गए हैं, लेकिन अब ये हमारा ये नुकसान ये हो गया है कि जो भिंडी हमारी छोटे से फलनी चाहिए थी। अच्छा। अब वो आके इतनी बड़े पेड़ हो गए हैं। जबकि इसको करना ये था कि हमको ड्रम में ही देना था। पर हमने इसका पावर देखने के लिए ऐसा किया था, दूसरों को दिखाने के लिए, तो जितना किया तो उसका इतना उसने पावर दिखाया कि जो हमको भी मतलब अब थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि बहुत ज्यादा असर हो गया। अच्छा, तो मतलब ये वो दवाई थोड़ी सी मात्रा में डालना चाहिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, उसको तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये ड्रम बनाया हुआ है, ये भी हमने मतलब एक नेचुरल अपने से सोर्स तैयार किया है। अच्छा। कि पहले हम क्या कर रहे थे कि इसको ड्रम से और मशीन की सहायता से दे रहे थे। अब इस पे जो अपन मटका खाद गोबर वगैरह देते हैं, तो बार बार हमको परेशानी हो रही थी कि मशीन जाम हो जा रही थी। मशीन को बार बार थोड़ी थोड़ी देर में खोल खोल के अपने को बनाना पड़ रहा था। अच्छा। और सारी सुविधाएं उतनी अच्छे से नहीं हो पा रही थी, तो हमने इसको क्या किया है कि यहाँ पे एक ये पैनल बनाया, बम्बू लगाए, और उसके बाद एक ड्रम रखा ऊपर, तो पानी इस पे भर लेते हैं लगभग 100-200 लीटर जितना पानी आता है इसमें भर के। और अपन इसमें से वर्मी वॉश या मटका खाद जो भी देना होता है इसमें डायरेक्ट देते हैं, और ये पाइप की सहायता से इसको फिर पूरे में लगा देते हैं, पूरे में छिड़काव कर देते हैं, तो अपनी पूरी तरह से नेचुरल तरीके से खाद लग जाती है। और ये अपनी जो मोटर जाम होने की स्थिति भी बार बार बन रही थी वो भी अब नहीं हो पा रही। तो इसमें क्या भरते हैं, वही खाद जो रहती है? जी हाँ, इस पे क्या करते हैं कि जैसे अपन यहाँ पे मटका खाद बनाया। हाँ। तो एक ड्रम पानी में अपन ने 3-4 लीटर मटका खाद मिलाई। हाँ। और मिलाने के बाद उसको चलाया और पूरे में चलाते चले गए। अच्छा। तो मटका खाद बनाने के लिए जैसे यहाँ पे ये ड्रम रखे हुए हैं। हाँ। तो यहाँ पे अपन सारी दवाइयाँ, मटका खाद जो भी पेस्टिसाइड होती है। अच्छा। जो कीड़े मारने के लिए यहाँ पे अपन छिड़काव करते हैं,
वो सारी चीजें भी अपन इस पे बना के रख रहे हैं और सब नेचुरल ही उपयोग कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें अगर आप बाजार में लेने जाएंगे तो यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, जो कि आपको कम से कम ये अगर बाजार में जाएंगे तो बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये समझिए कि हम लोगों को ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा है। गोबर के कंडे से, एक किलो दो किलो चावल से ये सब चीजें आसानी से बनाई जा सकती है। पर किसानों को क्या होता है कि थोड़ा सा जानकारी का अभाव होता है और वो थोड़ा सा ये सब करना नहीं चाहता है। इसके कारण से वो बाजार का उसको जाना अच्छा लगता है, जबकि ये सब चीजें अगर कोई किसान करता है तो सबसे ज्यादा नेचुरल तरीके से वो सारी चीजें उपलब्ध भी करा सकता है और उसको भी बहुत आनंद आएगा और पैसे भी बचते हैं। पर अब आजकल का किसान कोई ये चाह ही नहीं रहा और कर ही नहीं रहा है, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये खाद थोड़ा बताइए कौन कौन सी है, कुछ खाद? सर देखिए, इस पे खाद जो अपन ने बनाई हुई है, तो खाद इस पे बनाई हुई है, ये खाद अभी अपन यहाँ पे चल रही है, ये खाद बनके तैयार हो गई है। अच्छा। तो ये हमारी भिंडी पे कल खाद लग चुकी है इसको। जी हाँ, ये पूरी अपन ने मटका खाद बनाई हुई है। मटका खाद में इसमें अपन ने लगभग 20 से 30 किलो गोबर, 20-30 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन, इतना डाल के इसको बनाया हुआ है। इस पे अपन ने डाला है 20 किलो से 30 किलो गोबर, 30 किलो गौमूत्र, 2 किलो से 3 किलो गुड़ और 2 से 3 किलो बेसन। और वो भी गुड़ आपको वो लेना है कि जो बाजार में खराब हो जाता है, जिसमें कीड़े पड़ गए हो, वो गुड़ 20-30 रुपए किलो आपको बाजार में मिल जाता है, वो ले आइए। और जो भी बेसन उपयोग करना है, वो ऐसा चना आप लीजिए बेसन बनाने के लिए जो बिल्कुल खराब हो गया हो, जो गाय भैंस के खाने लायक हो, वो सब चीजें आप उपयोग करके इसको बना सकते हैं। तो सस्ता ये 5 से 6 दिन में, हाँ जी, सस्ता मिल जाएगा और 5 से 6 दिन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, खेत में डाल सकते हैं और फसल का असर मतलब एक नंबर जो देखना चाहते हैं जैसा वैसा। और दूसरा, जो भी हमारे ग्राहक उपयोग कर रहे हैं वो जब इसको खाते हैं तो खाने के बाद उनको ये दिखता भी है कि असर दिखता है इतना सब करने के बाद। तो नेचुरल तरीके से उगाई गई चीजों का जो आनंद मिलता है हमारे उपभोक्ताओं को, बहुत अच्छा है। ये बहुत जरूरी है जानकारी बताना लोगों को, है ना? तो थोड़ा ये बताइए, यहाँ पे जैसे ये बांस लगे हैं जी, कितने एकड़ में है ये? ये तो सर हमने 2 स्ट्रक्चर बनाए थे। अच्छा। एक बनाया था लगभग 15,000 फुट का स्ट्रक्चर और एक दूसरा उसके आगे स्ट्रक्चर बनाया था, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए थे। एक बनाया था 17,000 फुट का, तो लगभग 31-32,000 स्क्वायर फीट का पूरे स्ट्रक्चर पे अपन यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये बांस लगाने का जो प्रक्रिया होती है, इधर से इधर इसकी जो दूरी होती है 5 फीट होती है और यहाँ से उस साइड की जो उधर दूरी होती है वो 6 फीट की होती है। ये इसमें तार लगाए गए हैं ना? हाँ जी, जो मार्केट में तार मिलते हैं। हाँ जी, है ना? ये 18 नंबर और 20 नंबर जो तार आती है बाजार में, आप लेंगे तो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। ये तार इसलिए लगाएगी कि पेड़ ही तो ये, हाँ हाँ जी, ये ऊपर भी ऊपर जाल लगा हुआ है, जो वो जाल लगा हुआ है वो तार का ही जाल बना हुआ है, तार का ही जाल है। और उसके बाद फिर अपन ने क्या किया कि इसके बाद घास रख के और फिर लकड़ी की जो बांस की हुई पतली पतली कटवा के उनको बांध के इसको अपन ने बना लिया है। तो गर्मी के टाइम में जब खूब गर्मी पड़ती है ना, तो धूप लगभग छंटी आती है, लगभग 50% इसमें धूप आती है और 50% छाया आती है, तो गर्मी के कारण से हमारी फसल झुलसने से बच जाती है। अच्छा। और अचानक से कभी ऐसा होता है कि ओला पड़ जाए तो ओला से भी ये डायरेक्ट ओला नहीं मिलता, डायरेक्ट ओला जब फसलों में नहीं पड़ता है उसमें से मतलब छन के आता है तो थोड़ा सा उसका प्रेशर कम हो जाता है जिससे फसल नुकसान नहीं होती। ये हो गया, ये जो डब्बे यहाँ पे टंगे हैं आपने? जी हाँ, ये डिब्बे भी सर दरअसल क्या था कि अभी लॉकडाउन हो गया था तो हम लोग एक कीड़े से बहुत परेशान थे। कीड़े से इसलिए परेशान थे कि जो अपन करेला लगा रहे थे तो करेला आपने देखा होगा कि ये थोड़ा सा खराब हो गया है। इसके पहले लॉकडाउन था तो हमको ये चीज़ें मिली नहीं थी। अब हम इस पर कोई भी केमिकल स्प्रे कर नहीं रहे थे तो एक कीड़ा ये होता है जो फ्लाई कीड़ा होता है, ये क्या करता था कि करेले पे जाके बैठता था और करेले पे जाके अंडा दे देता था। और जैसे ही वो उसका अंडे से वो बच्चा बाहर निकलता था वो करेले के अंदर घुस जाता था। अच्छा। अब वो पूरा करेला ख़राब कर रहा था। तो अपन ने इसको फ्रूट फ्लाई ट्रैपर बोलते हैं, इसको अपन ने ऑनलाइन मंगाया है, कहीं आसपास हमको मिल नहीं रहा था तो हमने इसको ऑनलाइन मंगाया है। ये क्या करता है कि इस पर एक खुशबू वाली टिकिया रहती है, वो अंदर लगी रहती है। ये खुशबू वाली टिकिया देखेंगे आप, ये यहाँ अंदर लटकी रहती है, यहाँ से लटका देते हैं। अच्छा। और ये क्या करती है, फ्लाई जो होती है इसमें से जो नर फ्लाई होती है, तो नर फ्लाई ये टिकिया की खुशबू से आकर्षित होती है, उसको ऐसा लगता है कि मादा अंदर है। अच्छा। और वो जैसे ही इसके पास आता है तो इसके जाल में फंस जाता है और इस पे नीचे पानी भरा रहता है और वो आके पानी में डूब के मर जाता है। तो जो जब जब पूरे नर खत्म मतलब समाप्त हो जाते हैं तो फिर इसके बाद पूरे नर खत्म होने के बाद
इसके बाद ये क्या करता है कि अपनी ये प्रजनन इनका नहीं हो पाता है, तो हमारी फसल में कीड़े लगने से बच जाते हैं। ये आसानी से मिल जाते हैं, हालांकि अभी लॉकडाउन के कारण मिल नहीं पाए थे, इसलिए हम लोगों ने कम उपयोग किया था। उसके पहले आप एक चीज ये देख रहे होंगे कि ये हमारे पास नहीं था, तो उसकी योजना बनाने के लिए उस समय जो दिया जिसकी बोल रहा हूं जिसमें खुशबू आती है, ये हमको मिल गया था, ये लॉकडाउन के पहले का है। तो अपन ने एक जो ये लिक्विड आता है, तो लिक्विड ये चिपचिपा लिक्विड होता है, इसको ये बॉटल के चारों तरफ हमने लगा दिया था, ये हमने खुद बनाया था और इसमें भर दिया था पानी। अब जो कीड़े इसके देखे अंदर आएंगे, जो इस पे आएंगे तो ये पानी में डूब के मर जा रहे थे, जो इसके बाहर चिपक रहे थे तो इसमें चिपक के मर जा रहे थे कीड़ों को मारने के लिए। और इस पे कलर मिलाने के लिए कुछ नहीं मिला था, तो हमने पानी में थोड़ा सा ये हल्दी मिला दिया था, तो इसका जो कलर है वो कुछ पीला हो गया था, तो वो फूल पत्ती समझ के इसके पास आ रहे थे और इसको खा के मर जा रहे थे। तो अभी तक इसमें अपनी कितना खेती कर लिया? सर देखिए, प्रोडक्शन तो हमारा फर्स्ट टाइम था, थोड़ा सा जिससे हम लोग जो हमको ये सहयोग कर रहे थे वो लॉकडाउन की वजह से एक बार भी नहीं आ पाए हैं। तो अब उसके बाद क्या हुआ, तो ये कि उनसे फोन पे बात हुई, ये कि हमने खुद ही करने का प्रयास किया है, जो पहली बार था तो जितना मतलब संभव था हमसे कर पाना उतना हम कर पाए हैं। और बाकी लॉकडाउन में जब हमने देखा था कि फसल की हालत इस प्रकार की है कि यहाँ पे कोई भी फसल बाजार में या कहीं भी ले जाना मतलब मुनासिब नहीं हो रहा था, तो उस समय फिर उतना हम लोग इस पे इंटरेस्ट भी नहीं ले पाए, उतना ध्यान भी नहीं दे पाए, मतलब इस कारण से ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल इसके बाद है। अब ये सारी फसल ये समझिए खत्म हो चुकी है, अब इस फसल में कुछ नहीं बचा है। तो ये तो मैं आपसे नहीं कहूँगा कि हमने बाजार में खूब कमाई करी है, अब ये इस लॉकडाउन में तो किसी भी चीज़ की कोई अहमियत ही नहीं रह गई थी, तो उस पर तो कोई बात करना बेकार है। बाकी ये है कि हमारी जो नीचे अदरक लगी हुई है, यहाँ पे हमने पूरे स्टेट में लगभग 8 से 9 क्विंटल अदरक लगी है। अब ये जो 8 से 9 क्विंटल अदरक है, इसी से उत्पादन है और इसी को अपन बचा रहे हैं, इसी को देख रहे हैं, आपसे हैं बिल्कुल कर रहे हैं सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका।